हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज फ्रेंड्स ना सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो मैं थोड़ा धूप में बैठी थी तो सोचा कि आपसे थोड़ी बातें कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है, मैंने कोई अपना व्लॉग नहीं डाला और अपनी कोई स्टोरी नहीं डाली। टाइम ऐसे भी बीता गया और थोड़ा ऐसे टाइम निकल गया, तो आज सोच रही थी कि आज थोड़ी आपसे बात कर लूँ। तो कुछ है तो नहीं ना व्लॉग बनाने के लिए, कुछ है स्टोरी मैं वैसे डालती हूँ। आज सोचती हूँ कि मैं जो स्टोरी हूँ ना आपको ऐसे ही सुना देती हूँ, थोड़ी सी थोड़े से अपने व्यू शेयर कर लेती हूँ। थोड़ा सा मेरे दिमाग में कुछ आया था तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये ऐसे स्टोरी पसंद आएगी। फ्रंट कैमरा वैसे मैं सुनाती नहीं हूँ, बट फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, स्टोरी का मेन जो मकसद है कि जो सहारे है ना इंसान को कमजोर बना देते हैं। मेरा ये टॉपिक था आज का कि जो सहारे है ना इंसान को कमजोर बना देते हैं। हमें किसी के सहारे नहीं रहना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे, बड़ी बड़ी बातों पे हमें खुद पर ही डिपेंड रहना चाहिए। हाँ, उम्मीद होनी चाहिए, बट ये नहीं कि प्रॉपर हम उसी उम्मीद पर जिए और बाद में हम हर्ट हुए। तो मेरी स्टोरी का मेन यही टॉपिक है कि जो सहारे होते हैं ना वो इंसान को कमजोर। एक राजा का दरबारी था। राजा के महल के चार दरवाजे थे और वो दरबारी था ना जो वो राजा के बाहर दरबार के जो मेन गेट था उस पर रक्षा करता था, यानी कि वॉचमैन था, जो आता था जाता था उसका ध्यान रखता था। तो एक दिन सर्दी के मौसम में राजा वहां से गुजरा, अंदर आ रहा था, तो दरबारी से पूछा कि इतनी सर्दी में तुम ऐसे कैसे खड़े हो, तुम्हें ठंड नहीं लगती? तो वो दरबारी ने देखा अपनी और बोला कि मैं तो ऐसे ही खड़ा रहता हूँ, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो राजा बोलता है कि तू थोड़ी वेट कर, मैं तुझे अंदर से कंबल भिजवा देता हूँ। तो जो दरबारी था वो बाहर वेट करने लगा, राजा चला गया। राजा अंदर जाके भूल गया, क्योंकि राजे के पास बहुत काम होते हैं, वो जो बात बोलते हैं कई बार भूल जाते हैं, वो भी जो दरबारी होते हैं आम होते हैं बंदे उनके लिए भूल जाते हैं। तो जो वो दरबारी था ना वो बाहर राजा की वेट करने लगा। उसने यानी दिन से शाम, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन कंबल ना आए। तो दरबारी को ना बहुत ठंड लगने लगी। ठंड इसलिए लगने लगी क्योंकि उसने कभी सर्दी का सोचा ही नहीं था। जब राजा ने बोला तो कंबल का ध्यान आया, तो वो सर्दी के बारे में सोचने लगा। अब उसे इतनी ठंड लगने लगी, कि वो यानी सर्दी को बर्दाश्त ना कर पाया। सर्दी के कारण उसकी मौत हो गई। तो जब राजा बाहर आया तो उसने पूछा कि क्या हुआ, कि जहाँ इतनी भीड़ क्यों है? तो उन्होंने बताया कि जहाँ एक दरबारी खड़ा था, रात सर्दी के कारण उसकी मौत हो गई। तो राजा को याद आया, कहता हाँ मैंने तो उसे कंबल का बोला था। तो राजा उसके पास भागा गया, उसको देखा, उसको हिलाया, तो उसके है ना जो दरबारी था उसकी जो मुट्ठी थी उसमें ना एक पर्ची थी। उस पर्ची को राजा ने खोला, देखा, उस पे लिखा था कि मैं जहाँ बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, पता नहीं कितने मौसम निकल गए, कितने यानी कि मौसम आए गए, सारे चले गए, मैंने बहुत सर्दियां देखी, गर्मियां देखी, हर मौसम को मैंने इंजॉय किया, लेकिन कल सुबह जब आप मेरे पास आए और बोला कि आपको सर्दी नहीं लग रही, तो मैंने पहली बार अपने ऊपर ध्यान दिया। इतने मौसम में मैंने कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। कल मुझे पहली बार इतनी ठंड लगी, कि वो आज तक कभी नहीं लगी थी। उसका कारण बस यही था कि एक सहारा, मुझे आपसे एक सहारा मिला। तो ये बात सुन के या ये बात देख सोच के राजा रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो दरबारी ने लिखा था कि जो सहारे होते हैं ना वो इंसान को कमजोर कर देते हैं। आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि आप मुझे ना बोलते तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि आज सर्दी है, और मेरी जिंदगी ऐसे ही अच्छे से निकल रही थी तो अच्छे से निकल जाती। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का बस यही मतलब है कि जो सहारे होते हैं ना वो इंसान को कमजोर कर देते हैं। हमें किसी भी सहारे पे नहीं रहना चाहिए जिंदगी में, अपने ऊपर, अपने पर ही डिपेंड होना चाहिए। हाँ, फैमिलीज होती है, पेरेंट्स होते हैं, कई रिलेटिव होते हैं, वो हमारी फैमिली है, हमें सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट और सहारे में फर्क होता है। वो हमें इस काबिल बनाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम जिंदगी की जो मुश्किलें आती है ना उसका सामना कर पाएं।
तो इसलिए फ्रेंड्स ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं रेगुलरली ऐसे ही अपनी वीडियो डालती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।